भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माँ, हे पिता, हम आपको अपनी किशोर अवस्था का आनंद नहीं दे पाए। वो सारे सुख जो आपके साथ देने थे, जो आपको हमने आपके साथ बचपन बिताना था, वो नहीं बिता पाए। हमारी वजह से आप लोगों को कंस के द्वारा कितने कष्टों का सामना करना पड़ा और उसके कारण हम ही थे। और माँ और पिता जो हैं बच्चे को आलिंगन लगाए रहे थे। इस प्रकार कृष्ण ने कहा, हे माँ, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, क्योंकि ये शरीर माता पिता ने दिया है, तो हम अपने माता पिता के जन्म देने का जो ऋण है वो उनकी सेवा करके चुका सकते हैं। इसलिए बताया जाता है शास्त्र में, भगवान कृष्ण और भी बोला कि शरीर तो माता पिता की देन है, सेवा से ही चुकाया जाता है और कर्तव्यों का निर्वाह किया जाएगा तभी कुछ फायदा होगा, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को नरगामी बनना पड़ेगा जो अपने माता पिता की सेवा ना करे। फिर उन्होंने कहा, जो माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण और यहाँ तक कि अपनी पत्नी की देखभाल नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सांस ले रहा हुआ हो सकता है लेकिन मृत के समान है। माता पिता के साथ आलिंगन करते हुए माता पिता का कंठ भी अवरोध होता, कुछ बोल नहीं पा रहे थे अपने बच्चों के लिए। इतने लंबे समय बाद, आज लगभग 11 साल हो गए, माँ ने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया था। बलराम जी को पहले शिफ्ट कर दिया गया था, कृष्ण भी जो है उनके सामने प्रकट हुए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद वसुदेव उनको लेकर चले गए थे नंद महाराज के पास। पूरा एपिसोड देखने के लिए हरे कृष्णा टीवी चैनल देखिए। अन्य जानकारी के लिए harekrishnatv.com पर जाएं या 8767845845 पर व्हाट्सएप करें।